Morning student, this is our ANA physio class and today we will solve your queries. क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो मुझसे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे कई सारे, जिसमें से जब अपन ने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था तो मेरे पास दो क्वेश्चंस आए थे कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो है, एक तो एड्रीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई पूछी जा रही है एग्ज़ाम के अंदर, और दूसरा जो है आपसे पूछी जा रही है थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है. तो हम ऐसा करते हैं कि इन ग्लैंड्स को ही पूरा डिटेल में अपन पढ़ लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें. तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं. एक्चुअली क्वेश्चन आपके सुप्रा रीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई के नाम से क्वेश्चन आया था. तो ये ग्लैंड क्या है, कहाँ पाई जाती है, उसकी लोकेशन, उसकी पोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके टिश्यू, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, वो सब चीज़ें हम जो है आज अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे. तो देखिए, सबसे पहले पोजीशन और लोकेशन देख लेते हैं. तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो आपके दोनों किडनी, राइट और लेफ्ट दोनों किडनीज के अपर पोल के ऊपर पाई जा रही होती है. पेरिटोनियम से ये कवर रहती है पोस्ट एब्डोमिनल वॉल पर, और रीनल फैट के, प्री रीनल फैट के अंदर ये धंसी हुई रहती है. लेफ्ट जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है वो राइट के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है. तो ये तो है इसकी पोजीशन और लोकेशन. अब इसका डायग्राम अपन देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, तो रेस्ट सुपीरियरली टू किडनीज, किडनीज के ऊपर ये है इसकी लोकेशन, और इसमें से 30 स्टीरॉयड हॉर्मोन्स ये प्रोड्यूस करने का काम करती है. एड्रिनल ग्लैंड की खासियत, 30 स्टीरॉयड हॉर्मोन्स इस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं. अब जो हमने इसकी पोजीशन लोकेशन बोली वो आप इस डायग्राम के अंदर देखिए देख सकते हैं कि ये आपको देखो रेड किडनीज, ये बड़ी किडनीज दिखाई गई हैं, इसके ऊपर ये ग्लैंड आपको येलो कलर के अंदर ये ग्लैंड दिखाई गई है, सुप्रारीनल ग्लैंड. तो ये इसकी पोजीशन लोकेशन है. नर्व्स के साथ में ये इसका डाइसेक्शन दिखाया गया ग्लैंड का, तो ये नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं जो इसके इसके टच में है, कांटेक्ट में है. अब इन दोनों ग्लैंड्स को थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ें कि क्या खासियत है राइट की और लेफ्ट ग्लैंड की. तो सबसे पहले राइट एड्रिनल ग्लैंड जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है, राइट किडनी के अपर पोल पर इन्फीरियर वेना कैवा के पीछे पाई जाती है. राइट किडनी के अपर पोल पे होती है और इन्फीरियर वेना कैवा के पीछे ट्रायंगुलर शेप की किडनी होती है, जिसको अपन राइट एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं. ये एंटीरियर से इन्फीरियर वेना कैवा तक जुड़ी हुई रहती है, उससे रिलेटेड रहती है, और लीवर के राइट लोब से भी ये रिलेटेड होती है. और ये तो इसका एंटीरियर पार्ट बताया गया, जबकि इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो डायफ्राम से जुड़ा हुआ रहता है, डायफ्राम के राइट क्रस्ट से जुड़ा हुआ रहता है राइट एड्रिनल ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट. और ये जो हमने अभी रिलेशन बोले कि कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये आप अपन इस नेक्स्ट डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं. आप देखिए कि हमने कहा कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं. लीवर से जुड़ा हुआ है, ये देखिए, है ना. इस डायग्राम को आप और अच्छे से देखिएगा तो जो बात मैंने बोली है वो आपको समझ में आ जाएगी. अब नेक्स्ट है अपनी लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ये क्रिसेंट शेप की होती है. राइट जो है वो ट्रायंगुलर शेप की थी और ये क्रिसेंट शेप की होती है. लेफ्ट किडनी के अपर पोल पे होती है, स्टमक के पीछे होती है. एंटीरियरली ये स्टमक से जुड़ी हुई है, पेनक्रियास के टेल से जुड़ी हुई, और लेसर सैक से जो नीचे थोड़ा थैलेनोमा स्ट्रक्चर उससे जुड़ी हुई है. जबकि इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो डायफ्राम के लेफ्ट क्रस्ट से, जैसा अपन ने राइट एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ा था कि वो डायफ्राम के राइट क्रस्ट से जुड़ा था, ये लेफ्ट क्रस्ट से जुड़ा हुआ है. इसका भी आप ये डायग्राम जो है वो देख सकते हैं कि ये कैसे जुड़ा हुआ दिखाया गया है. ये लेफ्ट किडनी. अब इसके बाद ब्लड सप्लाई, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो हर एक एड्रिनल ग्लैंड है उसको 3 आर्टरीज
सप्लाई कर रही हैं सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर सुपरा रीनल आर्टरीज। ये तीन आर्टरीज हैं, तीन आर्टरीज हमारी हर एक एड्रेनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती हैं। वो तीन आर्टरीज कौन कौन सी है? सुपीरियर रीनल आर्टरी है, मिडल रीनल आर्टरी है, इन्फीरियर सुपरा रीनल आर्टरीज हैं जो इसको सप्लाई कर रही हैं। अब सबसे पहले जो सुपीरियर सुपरा रीनल आर्टरी है वो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी से इसकी ब्रांच निकल रही है, और ये इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है वो एओर्टा से ब्रांच होती हुई निकल रही होती है। मिडल सुपरा रीनल आर्टरी जो है वो एओर्टा के से ब्रांच निकल रही है, और इन्फीरियर सुपरा रीनल आर्टरी जो है वो रीनल आर्टरी से ब्रांच निकलते हुए बन रही है। ये तो तीनों इसकी आर्टेरियल सप्लाई बताई गई है। अब इसका जो वीनस ड्रेनेज है वो सुपरा रीनल वेन से निकल रहा है राइट साइड पर इन्फीरियर वेना कैवा से, और लेफ्ट साइड पर ये लेफ्ट रीनल वेन से निकलता हुआ इसकी वीनस ड्रेनेज बन रही है। ये इसकी आर्टेरियल सप्लाई दिखाई गई है कि कैसे इसको रीनल आर्टरी और वेन जो है वो इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये रेड कलर से आर्टरी दिखाई गई है, ब्लू कलर से इसकी वेन दिखाई गई है। अब इसके बाद जब ये डायग्राम अपन ने देख लिया तो आप थोड़ी सी ये सप्लाई, एक्चुअली आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा गया है, तो आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देकर के ये चीज़ें लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देख लें। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर आउटर कॉर्टेक्स पार्ट होता है और इनर मेड्यूला पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं इसके, कॉर्टेक्स और मेड्यूला पार्ट। इन दोनों पार्ट्स को अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब इसका जो आउटर कॉर्टेक्स पार्ट है वो येलो कलर का होता है और ग्लैंड का मेन मास बनाता है, जबकि इसका इनर मेड्यूला कम्प्लीटली एनक्लोज्ड रहता है कॉर्टेक्स से। केवल इसका हाइलम जो है वो निकला हुआ होता है ग्लैंड का, उसके ऊपर एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल पाया जा रहा होता है। बाकियों के ऊपर तो आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला के ऊपर आउटर कॉर्टेक्स ही कवरिंग है, और जो हाइलम पार्ट है इनर मेड्यूला का उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल पाया जा रहा होता है। कॉर्टेक्स के अंदर मीजोडर्म डेवलप होता है जबकि मेड्यूला मीजोडर्म से डेवलप होता है, जबकि मेड्यूला जो है वो न्यूरल क्रेस्ट से डेवलप होता हुआ पार्ट है। ये स्ट्रक्चर इसका आप डायग्राम देख सकते हो। ये कॉर्टेक्स दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, बाहर कॉर्टेक्स, अंदर रेड कलर का मेड्यूला है और कैप्स्यूल की कवरिंग इसमें दिखाई गई है। अब मैंने कहा इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स में तीन लेयर्स पाई जाती हैं, आउटर, मिडल और इनर। कैसे अरेंज है? जो जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर कवरिंग है, जोना फेसिक्यूलेटा मिडल और जोना रेटिकुलारिस इनर कवरिंग होती है। इनको डिटेल में अपन देखें तो सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा जो हम कह रहे हैं कि आउटर लेयर है जो कि कैप्स्यूल के बिल्कुल पास में होती है, इसकी जो सेल्स होती है वो ACTH को सीक्रेट करती है, एंजियोटेंसिन 2 को सीक्रेट करती है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स इससे जो है वो फिर सीक्रेट होंगे। वो कौन से हैं? MCH जो है एल्डोस्टीरोन से जुड़े हुए हैं, डीऑक्सीकॉर्टिसोन से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर बनाए रखने का काम कर रहे होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन नाम से पता चल रहा है कि भाई मिनरल्स को कंट्रोल करेंगे तो अपने फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को अपनी बॉडी के अंदर बनाए रख रहे होते हैं। हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर इसका असर पड़ रहा होता है, उसको ये इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग थी जोना ग्लोमेरुलोसा जो हमने देखी। इसके बाद दूसरी कवरिंग जो है वो है जोना फेसिक्यूलेटा, ये मिडल लार्जेस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। इसकी सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, आप जानते हैं इसके बारे में। ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन आते हैं जो कि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट के बैलेंस को बना के रखते हैं। नाम से भी आपको पता चल रहा है, जैसे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स था जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर तो वो फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बना रहा था, फेसिक्यूलेटा में ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट हो रहा है जो कार्बोहाइड्रेट के बैलेंस को बना करके रख रहा होता है। तो ये दोनों लेयर्स हमने पढ़ी। इसकी आप हिस्टोलॉजी भी देख सकते हैं। देखिए आपको कॉर्टेक्स
का पार्ट का सेक्शन दिखाया गया, एक छोटा सा पार्ट है जिसको कैसे डिवाइड किया गया, आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल बना हुआ है, फिर ये तीन लेयर्स हैं ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलारिस, ये पूरा कॉर्टेक्स बना रहा है और इसके अंदर जो है वो मेड्यूला आपको दिखाया गया है। तो ये हिस्टोलॉजी है एड्रिनल की, इस डायग्राम के अंदर भी आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि बाहर लाइट कलर का कैप्सूल दिखाई दे रहा है, कैप्सूल के नीचे सब कैप्सूलर आर्टीरियल प्लेक्सस दिखाई दे रहे हैं, नेटवर्क सा दिख रहा है आपको, सुप्रारिनल वेन आपको दिखाई दे रही है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स के पार्ट आपको दिखाए गए हैं, कॉर्टेक्स के तीनों पार्ट्स इस डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जनरल आर्किटेक्चर और ब्लड सर्कुलेशन इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वापस अपन थोड़ा सा कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर को और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर हार्मोन सीक्रेटेड साइट दिखाई गई है, मिनरल कॉर्टिकॉइड जो सीक्रेट हो रहे होते हैं तो वो आउटर मोस्ट लेयर से हो रहे हैं, फेसिकुलरिस जो है वो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट कर रही है, कॉर्टिसोल वगैरह इससे रिलीज हो रहे हैं, ये देखिए डायग्राम। अब जो हम बोल रहे हैं कि भाई ये हार्मोन सीक्रेट करती है, हमने बोला स्टार्टिंग है 30 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइप्स के ये हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट्स कर रही हैं, तो स्टीरॉइड्स का मेन काम होता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है स्टीरॉइड्स को प्रोड्यूस करती है। तो कौन कौन से स्टीरॉइड्स हैं, तो चार तरह के स्टीरॉइड्स मेनली इसे रिलीज हो रहे होते हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और एंड्रोजन, एपिनेफ्रिन को अपन एड्रिनालिन भी बोलते हैं। तो चार हार्मोन एल्डो, कॉर्टिको, एपिनेफ्रिन, एंड्रोजन। अब इन तीनों हार्मोन्स की क्या खासियत है, तीनों के तीनों स्टीरॉइड्स हैं, अब तीनों सॉरी चारों के चारों स्टीरॉइड्स हैं, चारों अपना अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, क्या काम कर रहे हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन की टारगेट सेल होती है हमारी किडनी और एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, ये अपना एक्शन दिखाते हैं। इस हार्मोन की वजह से हमारे अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर सोडियम का बैलेंस बना रहता है और एल्डोस्टेरोन जब बढ़ता है तो सोडियम का कंजर्वेशन होता है, कि हम कह रहे हैं सोडियम को मेंटेन कर रहा है, तो ये कैसे कि एल्डोस्टेरोन का जब लेवल बढ़ेगा तो सोडियम हमारे अंदर कंजर्व रहेगा, ये एल्डोस्टेरोन किडनी और एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एक्शन करता है। दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कि जब हमारे अंदर ACTH का लेवल हाई होता है तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, ACTH का लेवल जैसे ही हाई होगा, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक नेगेटिव फीडबैक हार्मोन का काम कर रहा होता है, कि पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है कि बस बहुत आप काम कर चुके हैं, अब थोड़ा आराम करिए। इसके अलावा ये एडिपोज टिश्यू को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कब, तब जब आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपने खाना नहीं खाया, आपके अंदर ग्लूकोज की कमी है, या आप बीमार हैं, या किसी भी रीज़न से आपके अंदर ग्लूकोज की कमी है, तो ये एडिपोज टिश्यू ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा होता है। ये प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा था, इसका नाम आया था जिसको अपन कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा बहुत स्ट्रेस का जब पीरियड होता है तब यह हार्मोन रिलीज होता है, तो ये इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज कर रहा होता है, फिजिकल डिस्ट्रेस के समय, इमोशनल डिस्ट्रेस के समय प्रोड्यूस होता है, फिजिकल डिस्ट्रेस जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हैमरेज आपको हो गया है, हैमरेज जो है ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई बॉडी से बाहर होने लगे, या आप कहिए ब्लड लॉस होने लग गया, उसको हैमरेज हम कहते हैं। तो हैमरेज और एक्सरसाइज के समय जब फिजिकल डिस्ट्रेस होता है तब यह हार्मोन प्रोड्यूस होता है, या फिर आप इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए, डरे हुए हैं, दुखी हैं, तो उस समय यह हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये कॉर्टिसोल की खासियत है, ये सारे फंक्शंस हैं। अब जो तीसरी स्ट्रक्चर थी जो अपन ने अभी नहीं पढ़ी है एड्रिनल की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, दैट इज़ जोना रेटिकुलारिस, वो हम देख लेते हैं। जोना रेटिकुलारिस क्या, ये इनर लेयर है, इसकी सेल्स गोनाडोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिससे कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, और ये दोनों आप जानते हैं भाई सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं मेल फीमेल के अंदर, तो ये जोना रेटिकुलारिस का रोल होता है कि ये इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। अब ये जो नाम आए हैं एंड्रोजन एस्ट्रोजन, इनमें से एंड्रोजन हमारे को पढ़ना है क्योंकि हमने इसका नाम अभी लिया था। तो एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और यही हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, मतलब इसी एंड्रोजन से ही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल्स हों।
तो यहाँ पर आपका जो आउटर मोस्ट लेयर थी एड्रिनल ग्लैंड की, वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को पूरा डिटेल में पढ़ लिया, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी लेयर्स और उसमें से कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ एड्रिनल मेड्यूला हमारे को पढ़नी है। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो न्यूरल क्रेस्ट से डेवलप होती है, और इसमें जो सेल्स हैं, सेल्स का ग्रुप और पूरा एक कॉलम्स होता है, उन सेल्स को अपन क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं, जिन सेल्स से ये बनी होती हैं, ग्रुप और कॉलम ऑफ सेल से ये बनी हुई, जिनको अपन क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। क्रोमाफिन सेल्स जो होती है वो एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन को सीक्रेट करती है, जो कि हमारे अंदर सिंपथैटिक स्टिम्यूलेशन को एक्टिवेट कर देता है। सिंपथैटिक स्टिम्युलेशन, ये चीज़ें अपन ने डिटेल में पढ़ ली थी, हमने नर्वस सिस्टम के अंदर भी अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी, वहाँ आप ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम से ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि सिंपथैटिक स्टिम्युलेशन क्या होता है और एड्रिनलिन और एड्रिनलिन का इससे कैसे रोल है। अब जो हमने बोला कि एड्रिनल मेड्यूला जो है वो ग्रुप एंड कॉलम ऑफ सेल्स से बनी है, जिनका नाम है क्रोमाफिन सेल्स, उन क्रोमाफिन सेल्स को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्रोमाफिन सेल्स का डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। देखिए ये क्रोमाफिन सेल्स कैसे क्या एक्ट कर रही हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर गॉल्जाई कॉम्प्लेक्स है, ये टायरोसिन से कैसे डोपा बन रहा है, डोपा से कैसे डोपामिन, डोपामिन से नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन इससे बन रहा होता है, और किस किस का रोल है, एटीपी सप्लाई के साथ में, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के साथ में बताया हुआ है। अब ये जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बने हैं, ये रिलीज होंगे और अपना एक्शन दिखाएंगे, जब सेल के बाहर रिलीज होंगे तो इनका एक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने पहले की क्लासेस में आपको पढ़ा दिया है। तो ये क्रोमाफिन सेल्स हैं। इसके बाद हमने कहा एपिनेफ्रिन इससे रिलीज़ हो रहा है, तो एपिनेफ्रिन लास्ट स्टीरॉयड था जो हमारे को पढ़ना है, जो कि एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज़ होता है। इसका काम है ये सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है और फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स हमारे को देता है, या तो लड़ो या भागो वहाँ से, जब कोई सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई है तो हमें लड़ना है या हमें भागना है, ऐसा संदेश हमारे को ये एपिनेफ्रिन हार्मोन से मिलता है, जो हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट कर देता है। ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड में स्टोर रहता है तब तक जब तक कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती, जैसी आवश्यकता होगी ये रिलीज होएगा और हमारे को मैसेज देगा। एपिनेफ्रिन की वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और ब्रेन, हार्ट और मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ये एपिनेफ्रिन की खासियत। तो इसके साथ में हमारा एड्रिनल ग्लैंड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड पूरी डिटेल में पढ़ा दी है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम ये और देख लेते हैं कि भाई क्लिनिकल प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो देखिए इसके जो दो पार्ट हमने बोले कॉर्टेक्स मेड्यूला, उन दोनों पार्ट में कई सारी क्लिनिकल कंडीशंस देखी जा सकती है, अगर उनमें कोई घाव हो जाए, कोई लेजन्स हो जाए, तो अगर कॉर्टेक्स या मेड्यूला किसी में भी लेजन हो गया, तो हमने पढ़ा कि भाई इन दोनों का काम है कि ये हार्मोन रिलीज करते हैं एड्रिनल हार्मोन, तो वो एड्रिनल हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लग जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह की वजह से अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो कई बीमारियां जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो कुशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्पाइनल लिम्ब्स वगैरह के अंदर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फैट का, जैसे स्पिंडल लिम्ब्स में चला जाता है, जिसे हमारे फेस में भी चला जाता है, चेहरा फूला फूला नज़र आ रहा होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस पर्सन के अंदर कॉज हो जाता है, वूंड हीलिंग स्लो हो जाती है। तो ये सब तो होते हैं अगर सीक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लग जाए, किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज होने वाले हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट होने लग गए, अगर कोई लेजन हो जाए क्लिनिकल कंडीशंस में, अगर ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं तो ये बीमारियाँ, जिसमें मेन बीमारी है कुशिंग सिंड्रोम, और अगर कम सीक्रेशन हो रहा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हर बार ज़्यादा ही सीक्रेशन हो, अगर सीक्रेशन कम हो रहा है तो एडिसन डिजीज़। तो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन चाहे कम सीक्रेट हो रहे हो, वैसे सभी हार्मोन्स की खासियत है, चाहे कम हो रहे हो सीक्रेशन, चाहे ज़्यादा हो रहा हो, या आपकी बॉडी ज़्यादा फंक्शन कर रही हो या कम फंक्शन कर रही हो, दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है। तो अगर एड्रिनल
कॉर्टेक्स के हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं तो कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है, और अगर कम सीक्रेट होते हैं तो एडिसन डिजीज़ कॉज होती है। एडिसन डिजीज़ में पर्सन का वेट लॉस होने लग जाता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, और डिहाइड्रेशन, शरीर में से पानी की कमी हो जाती है जिससे पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके अलावा अगर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रीशन कम हो रहा है तो उससे एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसके साथ हमारा एड्रिनल ग्लैंड नाम का टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, अगर एड्रिनल ग्लैंड पर क्वेश्चन आ जाए तब भी आप लिख सकते हो, सप्लाई पे क्वेश्चन आ जाए तब भी आप आंसर दे सकते हो, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा जाता है। बाकी हम ब्लड वेसल में हालांकि ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पढ़ाया नहीं था, पर क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हैं इसलिए आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो आपकी ये डाउट वाली क्लास मैंने आज कंप्लीट कर दी है। और भी कोई आपके पास डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए, अपने पेपर्स को चेक करते रहिए, आपके पेपर्स में पुराने पिछले सालों के पेपर्स में अगर कोई क्वेश्चन आया है। अभी तक मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो गया और एक ईयर कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर्स में आया है तो आप मुझे बताएं, मुझे मेल करिए, मैं आपके वो डाउट्स आपकी क्वारीज जो है वो दूर कर दूंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा दूंगी जिसका क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था। तो थैंक यू क्लास।